नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज मैं पहली बार शायद अपने घर के बाहर, यानी जब तक मैं सेवा में था तब अपने राजकीय आवास बरेली से, और फिर जब मैं रिटायर होकर आ गया तो अपने निजी आवास लखनऊ से आप तक किस्सा गोई के माध्यम से पहुँचता रहा हूँ। आज पहली बार मैं अहमदाबाद, आपको मैंने बताया था, पूर्व सूचना दी थी कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, अपनी बेटी के पास आया था। और जैसे ये कहते हैं ना, मेरा मन नहीं माना और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अहमदाबाद से भी किस्सा गोई की एक एपिसोड, या हो सकता है अगले दो एक दिन अगर ये ठीक से हो गया तो दो एक दिन और मैं अहमदाबाद से ही किस्सा गोई के एपिसोड्स लेकर आपके समक्ष आऊँगा। और मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ आज। यहाँ बड़ी रौनक थी, आईपीएल का एक मैच था और शहर कल मैंने घूमा, आज भी घूमा, और अच्छा शहर है, शांत शहर है, अच्छे लोग हैं। तो आज यहीं से मैं अपराध की एक बुरी घटना, अच्छे शहर से एक नॉट अ गुड क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। और ये आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की, और बल्कि यूं कहें तो उसका आज ही खुलासा हुआ है। हुआ यूं था कि राजस्थान प्रदेश के खैरथल जिले में भिवाड़ी एक जगह है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर जहाँ के मंदिर और शिवालय तालाब बहुत मशहूर हैं यहाँ के। तो यहीं पर टपूकड़ा एक थाना क्षेत्र है जहाँ पर त्रिहान सोसाइटी है। आजकल सभी जगह सोसाइटी का ज़माना है, पुराने वो सिंगल एक तल वाले जो मकान अब नहीं मिलते, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं और लोग उसमें रहना पसंद भी करते हैं। तो त्रिहान एक सोसाइटी है, उसकी 10वीं मंजिल पर जो फ्लैट्स हैं उनमें से एक फ्लैट में बुधवार 24 अप्रैल को शाम को 6 बजे एक महिला प्रतीक्षा पहुंची। प्रतीक्षा के बहन बहनोई का ये फ्लैट था। पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा और उसकी माँ अपनी बहन से मिलने के लिए परेशान थी कि किसी तरह से उससे बातचीत हो जाए, लेकिन उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। उसकी बहन का नाम आकांक्षा है, ऋतु वैसे उसका नाम है लेकिन आकांक्षा के नाम से जानी जाती है। 25 साल उसकी उम्र होगी। वहाँ पर पहुँची, फ्लैट में बाहर ताला बंद था, आसपास के लोगों का, आसपास के फ्लैट्स का दरवाज़ा खटखटाया और ये पूछा कि मेरी बहन और बहनोई दोनों कहाँ हैं और कब से इसमें ताला बंद है। तो सभी लोगों ने बताया कि पिछले 8-10 दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि इस फ्लैट से कोई बाहर नहीं आया। सामान्य रूप से उनकी जो 4 साल की बेटी काव्या है वो ज़रूर बाहर निकलती है और बच्चे, जो फ्लैट्स के और छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलती है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से न तो माँ निकली है और न ही उनकी बेटी निकली है। ये सुनकर प्रतीक्षा का मन थोड़ा घबराया, उसके मन में खटका सा हुआ, कुछ शक भी हुआ। वो सीधे थाना टप्पूकड़ा पहुँची। इसी थाना क्षेत्र में ये तेहान सोसाइटी है। टपूकड़ा जाके उसने पूरी बात बताई, क्योंकि उसके पास नंबर नहीं थे, लोगों से नंबर लेने की भी कोशिश की लेकिन पास ही में थाना था, पहुंचकर उसने बात बताई कि इस तरह से हम लोग 18 अप्रैल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनोई हमारा जो, जिसका नाम निशांत पांडे है, वो ये कहता है कि वो हम लोगों से कुछ आपस में मनमुटाव हुआ था, वो हरिद्वार चली गई थी, फ़ोन अपना यहीं छोड़ गई थी, वो जैसे ही आती है हम उससे बात कराते हैं। हम लोगों ने उसके स्कूल में भी फ़ोन किया जिस स्कूल में आकांक्षा टीचर थी। स्कूल में ये बताया गया कि जब 2 दिन तक वो नहीं आई तो उन लोगों ने भी आकांक्षा के नंबर पर फ़ोन किया तो उसके पति ने उठाया और ये बताया कि तबीयत बहुत ख़राब है, प्रिंसिपल ने जिद की हमारी बात करा दीजिए, उन्होंने कहा सब मैं बात नहीं करा पाऊँगा, इसलिए भाग कर मैं खुद देखने आई कि आखिरकार माजरा क्या है और यहाँ पर ताला बंद है। तुरंत
भगवान सहाय जो थाना अधिकारी थे टप्पू कड़ा के, वो अपनी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे त्रिहान सोसाइटी में। त्रिहान सोसाइटी के 10वीं मंजिल में पहुँचे, हल्की हल्की बदबू वहाँ आ रही थी बाहर ही। फिर ताला उसका बंद था, लोगों की मदद से मुख्य दरवाज़ा तोड़ा गया। भीतर जाने पर उसमें काफ़ी बदबू उनको महसूस हुई। खैर, कमरों में देखा गया, कमरों में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता लगा, लेकिन उस बदबू के आधार पर जब बाथरूम का ताला तोड़ा गया तो उसमें माँ और 4 साल की बच्ची काव्या का सड़ा गला शव पड़ा था। आप सोच सकते हैं कि 10 दिन का शव है और गर्मी का दिन है, राजस्थान जैसी जगह है, क्या हाल हुआ होगा। शव के ऊपर घर के 2-3 रजाई, गद्दे और चद्दर भी डाले गए थे, लेकिन पानी नहीं खोला गया। सामान्य रूप से आपने देखा होगा, जब हत्याएं होती हैं तो जानबूझकर हत्या करने के बाद हत्यारे, चाहे घर का ही कोई हो, बाथरूम में करके पानी ऑन कर देता है और उसके बाद फिर ताला बंद करके भाग जाता है। यहाँ पर पानी ऑन नहीं हुआ था, यानी बाथरूम सूखा था और उसमें मक्खियाँ इस कदर भिनभिना रही थीं कि जैसे ही उसका दरवाज़ा तोड़ा गया या खोला गया, वैसे ही मक्खियाँ बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ गईं। लोग बदबू, असहनीय बदबू से भी बाहर आ गए। पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने फौरन उसका पंचनामा किया, बच्ची के शव का भी और उसकी माँ आकांक्षा के शव का भी पंचायतनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर पता करना शुरू किया तो पता लगा कि निशांत पांडे एक गुरुग्राम में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और ये लोग काफ़ी दिनों से यहीं रह रहे थे। उनके बीच में मन मुटाव या इस तरह की कोई बात पड़ोसियों ने नहीं बताई। फिर ये जो बहन आई थी, उसकी प्रतीक्षा, आकांक्षा की बहन जो प्रतीक्षा आई थी, उससे पूरी बात पूछी गई। उसने ये बताया कि वर्ष 2012 में आकांक्षा उस समय टीचर हो गई थी और ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था जो उसका हस्बैंड था या निशांत पांडे, उम्र उसकी भी 28-29 साल रही होगी। बहरहाल इसी बीच इन लोगों का सोशल मीडिया पर संपर्क हो गया और काफ़ी लंबे, चूँकि दोनों ही सिवान के रहने, बिहार के रहने वाले थे, 2012 से ये संपर्क चलते चलते 2016 में इन दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद उनकी एक बच्ची हुई जिसकी हत्या हुई थी, उसकी उम्र करीब करीब 4 साल हो गई थी। घर वालों ने, प्रतीक्षा ने ये बताया कि साहब, इतने लंबे समय तक सोशल मीडिया में संपर्क में रहने के बाद जब वो शादी की जिद करने लगी तो सभी लोगों ने मना किया कि कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी के बारे में पता कर लेते हैं। बिहार में भी पता किया गया, उसके घर में, इनके आकांक्षा के घर वालों ने पता किया, तो कोई बहुत ऐसा आउटस्टैंडिंग बात नहीं पता लगी कि वो कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हो, और लड़की नौकरी कर रही थी, एक अच्छे स्कूल में टीचर थी आकांक्षा, तो उसे बताया गया कि तुम्हें अच्छी अपनी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें कौन सी जल्दी है कि तुम ऐसे लड़के से शादी करोगी। लेकिन आकांक्षा ने भी जिद पकड़ ली और फिर घरवालों ने 2016 में शादी कर दी। फिर आना जाना ये गुड़गांव जाता था और फिर और कंपनी के दौरों की बात बताकर, इस बीच में ये जब बिहार गया तो निशांत ने एक दूसरी शादी कर ली, एक बहुत ही कम उम्र की लड़की से उसने शादी कर ली। घर वालों को इसकी जानकारी थी या नहीं थी ये प्रतीक्षा नहीं बता पाई। उनका शादी कर ली और चूंकि लोकल वहाँ का एक ही ज़िले का मामला था, हम लोग अब सोचिए कि 8 साल की शादी हो गई थी, 8 साल की शादी में तो ज़रूर कुछ न कुछ बातें उस परिवार के बारे में पता लग जाती थी और शादी का सबसे पहले हम लोगों को ही, वहाँ परिवार को ही पता लगा था जो लोग वहाँ गांव में रहते हैं। फिर ये कन्फर्म किया गया और जब ये लौट कर गया निशांत, तो उसकी पत्नी आकांक्षा ने उससे पूछा कि तुम्हारी दूसरी शादी हुई है क्या। पहले उसने मना किया, फिर मान मनोवल हुई जो पति पत्नी के बीच में होता है, गुस्सा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई, और अंत में उसने ये बात मानी कि हाँ, घर वालों के दबाव में मैंने
दूसरी शादी कर ली है। इस बात पर और ये झगड़ा हुआ था 17, ये झगड़ा हुआ था 14 को, क्योंकि आकांक्षा ने तब अपनी माँ को भी और बहन को भी ये बताया था कि आज हमारा इनका बहुत झगड़ा हुआ है, और अल्टीमेटली इन्होंने ये मान लिया है कि हाँ इनकी शादी हुई है। लेकिन ये कहते हैं कि वो घर वालों के दबाव में शादी की है, मैं वहाँ न तो जाऊँगा न उसको लेके यहाँ आऊँगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस तरह की फर्जी बातें उसने बताई, लेकिन आकांक्षा ने ये बात अपनी माँ और अपनी बहन को बता दी थी। ये बात बताने के बाद वो कुछ, जैसे वो कहते हैं, वायलेंट सा होने लगा 14 अप्रैल के बाद। वो बार बार यही कहता था कि तुमसे क्या मतलब, मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुमसे इन सब से क्या मतलब, तुम्हें जितनी ज़रूरत है मैं दूंगा, बाकी तुम कमाती खाती हो, मेरी ज़रूरत तुमको है ही नहीं। इस तरह की बातें अचानक 4 दिन में होने लगी, जबकि 2016 से वो बता और पत्नी पति पत्नी रह रहे थे और अच्छे से रह रहे थे। 17 अप्रैल को, अच्छा खैर, जब ये 24 तारीख को बात हुई और उसका नंबर मिल गया, पति का नंबर और मृतक आकांक्षा का नंबर, दोनों नंबर पुलिस को मिल गए, नंबर से इन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया, तो कल यानी 27 तारीख को सिवान में ही निशांत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे गिरफ्तार करके टप्पूकड़ा थाने पर ले आए। यहाँ पर उससे विस्तार से बातचीत की गई। विस्तार से आप समझ ही गए होंगे किस तरह से बातचीत की गई होगी, कितने कार्यक्रम किए गए होंगे, कितनी किस किन किन श्रेणियों से पूछताछ की गई होगी, तब जाकर उसने पूरी बात बताई कि हाँ साहब, ये शादी हमने की थी, इसके साथ रह रहे थे, लेकिन धीरे 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 जब दिन बीतते गए, 5-6 साल के बाद मेरी और लड़कियों से बात शुरू हो गई, और फिर एक लड़की मुझे ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा नौजवान मिल गई। घर वालों को बताया, घर वालों, चूँकि वो भी पास की ही रहने वाली थी, वहीं बिहार की, घर वालों को बताया, उन्होंने फौरन शादी की डेट तय कर दी। हालांकि घर वालों को ये पता था कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं इस डर से आकांक्षा को कभी अपने गांव नहीं ले गया था कि ले जाऊंगा तो हो सकता है लोग विरोध करें, इसलिए मैं कभी नहीं ले गया था। और जब उन्होंने शादी तय कर दी, शादी तय क्या, शादी मैंने ही पर जिसको कहते हैं पसंद की थी, मेरी बहुत लंबी 1.5 साल की बातचीत के बाद मैंने घर वालों को बताया और घर वालों ने फौरन राजी होके वो शादी कर दी। शादी करके जैसे ही मैं घर आया, वैसे ही मेरी पत्नी को भी, आकांक्षा को भी ये बात पता लग गई कि हमने दूसरी शादी की है। फिर वही लड़ाई झगड़े आपसी मनमुटाव का दौर शुरू हुआ। मैं बार बार उससे यही कहता था कि तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारे जो तुम्हारा स्तर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और तुम हम पे डिपेंडेंट भी नहीं हो, तुम अपनी और अपनी बच्ची के लिए स्वयं कमा लेती हो, तुम्हें किस बात की परेशानी है, मैं जैसे पहले आता जाता रहा हूँ वैसे ही अब भी आता जाता रहूँगा। 14 तारीख को बहुत हम लोगों में ज़्यादा कहा सुनी हुई, और उसी दिन मेरे मन में आया कि अगर अब इसको रास्ते से नहीं हटाया गया तो ये हमारी नई वाली शादी को भी में भी खलल डालेगी, उसके घर वालों को ढूंढ कर उन्हें बताएगी, वो यहाँ आएंगे, इससे मिलेंगे, झगड़ा होगा, पूरी सोसाइटी देखेगी, जो सोसाइटी के लोग हैं, मेरी बदनामी होगी, नौकरी भी छूट सकती है, लिहाजा इसको पहले अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर मैं अपने जो अभी नई शादी की है उसके साथ जाकर रहने लगूंगा। यही सब सोचकर उसने तय कर लिया और 17 अप्रैल को शाम को आया, सामान्य तरीके से बातचीत हुई, चाय पानी उसको आकांक्षा ने कराया, लेकिन धीरे धीरे करके वो खिड़की दरवाजे बंद करने लगा। आकांक्षा ने पूछा कि अचानक की खिड़की दरवाजे को, उनका नहीं नहीं आज जो है, आज का मौसम का जो पूर्वानुमान आया है उसमें रात में किसी भी समय आंधी पानी की बात लिखी हुई है, ऐसा ना हो हम लोग सो जाएं और दरवाजे खिड़की खुले रह जाएं तो फिर दरवाजे खिड़कियों की बड़बड़ाहट होगी, सामान गिरेगा, धूल धक्कड़ भीतर आएगी। खैर वो चुप हो गई, इसने
बिल्कुल करीने से सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, खाना खाया और उसके बाद सो गए। सोने के बाद इसने पहले अपनी पत्नी यानी आकांक्षा के का गला दबा दिया, गला दबा के उसे मार दिया। जब वो उसे मार रहा था, इसी बीच में 4 साल की बेटी काव्या उठ गई। उठते ही उसने ये हल्ला करना शुरू किया, पापा का नाम लेके, मम्मी का नाम लेके, और जैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़े आकांक्षा के, वैसे ही उसने बेटी काव्या को जमीन पर गिराकर उसका भी गला दबा दिया। वो मम्मी पापा चिल्लाती रही लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। दोनों को वहीं मरा हुआ छोड़कर 1 घंटे तक उसने दोनों को वॉच किया कि कहीं इनकी सांस फिर से न चलने लगे। 1 घंटे बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि ये मर चुकी हैं, तो चूंकि बेड के पास ही ऐसा हुआ था, इसने बेड पर अपना पैर पसारा और सो गया। 2 लाशें उसी कमरे में उसी बेड के पास पड़ी हुई और उन्हीं के साथ सो गया। सुबह उठा, नहाया धोया, अपने किचन में गया, चाय बनाई, ब्रेड बटर रखा हुआ था वो खाया। खाने के बाद दोनों लाशों को घसीट कर बाथरूम में ले गया और जितने पुराने रजाई गद्दे घर में पड़े हुए थे वो उनके शवों के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद बाथरूम को बंद किया, फ्लैट में ताला बंद किया और सीधे अपने गांव सिवान चला गया। इस बीच 17 को ही, जिस दिन ये घटना हुई है, माँ ने, आकांक्षा की माँ ने फ़ोन किया। आकांक्षा का फ़ोन निशांत पांडे ने ही उठाया और उसने कहा कि माताजी, 2 दिन में कुछ हम लोगों में कहा सुनी हो गई थी, नाराज होकर वो बच्ची को छोड़कर हरिद्वार चली गई, ये उससे शायद गलती हो गई बच्ची को छोड़कर। फिर माँ ने जिद की कि मेरी बच्ची से बात कराओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं, वो बहुत रो रही है, मैं उससे बात नहीं करा सकता। फिर अगले दिन सुबह बहन का फ़ोन आया तो उसने कहा वो शाम को आई थी, इतना गुस्से में थी कि बच्ची को भी ले गई, ताकि बच्ची से बात कराने वाली बात को पचाया जा सके या उस झूठ को निभाया जा सके। 3 दिन बाद स्कूल की प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि आकांक्षा क्यों नहीं आ रही है, वो फ़ोन भी निशांत पांडे ने ही उठाया। फ़ोन उठाकर उसने कहा कि तबीयत बहुत ख़राब है। प्रिंसिपल ने कहा मेरी बात करा दीजिए, क्या तबीयत ख़राब है, कैसे है, उनका बुखार बहुत तेज़ है, उनका मेरी बात करा दीजिए। वो जिद करती रहीं बात कराने की, लेकिन निशांत ने कहा कि मैं किसी कीमत पर उससे बात नहीं कराऊंगा, डॉक्टर ने सोने के लिए कहा है। अगली बार 1-2 दिन बाद फिर से फ़ोन किया प्रिंसिपल ने, इस बार निशांत ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अब जब उससे फ़ोन से बात नहीं हो पा रही थी, फिर उसकी माँ और बहन बार बार फ़ोन कर रही थी, तुम बात क्यों नहीं कराते हो। लड़की से कहा, तुमने कहा वो आई, मैंने कहा वो आई थी, बहुत गुस्से में थी, मैंने कहा मम्मी का और तुम्हारी बहन का फ़ोन आया था, उनसे बात कर लो, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं हुई और बोली मैं हरिद्वार जा रही हूँ, जब मेरा मन शांत हो जाएगा तब मैं लौट के आऊँगी और जैसे ही लौट के आएगी हम बात करा देंगे। बहरहाल ये सारी पूछताछ के बाद लोगों ने ये भी पूछा कि तुम्हारी बच्ची थी, फ्लैट के लोग ये बताते हैं, फ्लैट में तुम्हारे फ्लैट के जो पड़ोसी हैं उस टावर के लोग ये भी बताते हैं कि तुम अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे, वो जब भी आप लौट कर आते थे तब वो बच्ची कुछ न कुछ खाने की जिद करती थी, तब तुम उसे बाहर ले जाते थे, जो भी वो खाने की जिद करती थी उसको दिलाते थे, और कभी कभी तो आप खिलौने लेकर भी बाहर से अपनी बच्ची के लिए आते थे, कैसे मार दिया उसको, आपके हाथ नहीं कांपे। इस पर वो कुछ नहीं बोला और फिर उसकी जब जिसको कहते हैं श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई, तब भी वो इस सिलसिले में बिल्कुल चुप रहता था कि बच्ची का क्या कसूर था, वो तो मम्मी पापा के सिवा किसी और को आवाज़ भी नहीं दे सकती थी, उसे क्यों मार दिया। खैर ये बात समझ में आती है कि क्यों मार दिया होगा, उसे लग रहा होगा कि नई वाली से जो उसके संबंध हुए हैं या जो नई शादी की है उसने, उसमें किसी तरह का खलल न पड़े, कल को वो इस बच्ची को लेकर भी कोई उत्पात न करे कि ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी या इस बच्ची से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसको कहीं और छोड़ के आओ। इसलिए जो भी होना है एक बार हो जाए, एक हत्या की
जो सज़ा है वो दो हत्याओं में भी होगी, लिहाजा मैंने दोनों को मार दिया। आज की घटना देखिए, सोशल मीडिया का प्यार कितना छिछला, कितना ओछा और कितना टेम्परेरी होता है, आपको इस घटना से समझ में आ गया होगा। 4 साल तक सोशल मीडिया में चोंच लड़ाने के बाद शादी की, बच्ची हुई, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार हो गया, लेकिन आदत से बाज नहीं आया, फिर चोंच लड़ाना शुरू किया, फिर दूसरी एक शादी कर ली। तो इस तरह की, और मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, अगर ये घर वालों के दखल से उसकी शादी नहीं हुई है, फिर सोशल मीडिया से ही हुई है, तो सोशल मीडिया पर बने जो भी संबंध हैं वो चाइनीज सामान की तरह होते हैं। देखिए, चाइनीज सामान की न कोई गारंटी होती है न कोई वारंटी होती है, यानी न वो रिप्लेस होता है न रिपेयर होता है, गारंटी और वारंटी में यही अंतर है। कोई उसका कहो शाम तक न चले, कहो 4-6 दिन चल जाए तब बंद हो जाए। चाइनीज गुड्स को लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हर ज़िले में, लखनऊ में भी और प्रयागराज में भी, एक चाइना बाजार करके बिल्डिंग किराए पर ली गई थी, उसमें सिर्फ चाइनीज सामान आते थे। सबसे पहले खिलौनों ने पेरेंट्स और बच्चों दोनों का ध्यान आकृष्ट किया। रिमोट से चलने वाले खिलौने जो देशी हिंदुस्तानी बने होते थे, उस ज़माने में 1000-1000 रुपए के मिलते थे, और रिमोट से चलने वाले चाइनीज़ खिलौने ये 150 रुपए और 200 रुपए में मिल जाते थे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये रिमोट वाली कार, रिमोट वाला हेलीकॉप्टर, रिमोट वाली सांप, रिमोट वाले तमाम, और होता क्या था, चौथे दिन और पाँचवें दिन बीतते बीतते इस दशा में प्राप्त हो जाते थे वो खिलौने। और अगर आप ले कर चले गए चाइना बाज़ार में कि साहब ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो गया, तो वो दरवाजे से ही वापस कर देते हैं कि साहब मैंने कोई गारंटी तो दी नहीं थी। और धीरे धीरे ये हाल हो गया चाइना के सामान का। वहीं चाइनीज़ मोटरसाइकिल, चाइनीज़ साइकिल और क्या क्या आइटम नहीं मिलते थे उस समय। अब तो बंद हो गए सब चाइनीज़ बाज़ार, और जिन जैसे लखनऊ का बंद हो गया मुझे पता है, प्रयागराज का बंद हो गया मुझे पता है, कानपुर का बंद हो गया मुझे पता है, मेरठ और बरेली में बंद हो गया ये भी मुझे पता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय मानसिकता जो है वो सस्ता, टिकाऊ और मजबूत की है, बेशक देखने में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन 10 साल चलना चाहिए, 5 साल चलना चाहिए, 2 साल चलना चाहिए। अगर वो जल्दी जल्दी ख़राब हुआ तो वो दिमाग से हट जाएगा। और चाइनीज़ सामान 1 घंटे भी चलने की गारंटी नहीं है, इसलिए चाइनीज़ सामान का, इसी तरह जैसे चाइनीज़ सामान है, चाइनीज़ माल जिसे कहते हैं, वैसा ही सोशल मीडिया पर बने हुए संबंध हैं। मतलब कितना निर्दयी था निशांत कि 8 साल की शादी, यानी जब वो 21 साल का रहा होगा तो शादी हो गई, क्योंकि कल जब वो गिरफ्तार हुआ तब उसकी 29 वर्ष की उम्र थी, 4 साल की बच्ची, और इतना सब होने के बाद और 4 साल मिलने के बाद शादी की गई। 12 से 16 तक बस नैन मटक्का होते रहे और उसके बाद शादी कर ली, फिर भी 4 साल निभा नहीं पाए और फिर दूसरी जगह कटिया लगाने लगे। और जब दूसरी शादी कर ली तो चालाकी इतनी हुई कि अरे कैसे पता लगेगा मैंने शादी कर ली है, और शादी करके जैसे ही लौटे वैसे ही आकांक्षा ने पूछ लिया, मैंने सुना है तुम शादी करके आ रहे हो, क्या जवाब देता कोई, नहीं नहीं ऐसा है, तुमने कहाँ सुना, तुमको कैसे पता लगा, दुश्मन है हमारे, जो सामान्य रूप से जवाब दिए जाते हैं, ये कोई तुमको भड़का रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। फिर जब बात बढ़ते बढ़ते बढ़ी तो सही बात भी पता लग गई, और जैसे ही दूसरी शादी की और ये बातचीत हुई तो आकांक्षा से दूरी बनाने की कोशिश करने लगा, नौकरी पर जाने के बहाने, भाई वो वहाँ रह रहा है गुरुग्राम में नौकरी कर रहा है, हफ्ते में 1 दिन आया फिर नौकरी करने चला गया, फिर एक वीकेंड पर आ गया, फिर इतवार की ही शाम को भागना शुरू किया।
तो आकांक्षा भी जानती थी कि नौकरी की मजबूरी है, वो 24 घंटे या हर दिन नहीं रह सकते हैं, और इसी बहाने में कि ये टूरिंग है, यहाँ टूर पे जाना है, इसी बहाने से निकला और शादी कर ली। पता लगना था और पता लग भी गया कि, और फिर जब ज़्यादा चिक चिक हुई तो उसको ये लगने लगा कि आगे आने वाला दिन भी ख़राब है। जब हम 10 दिन इस शादी को नहीं छिपा पाए तो वो किसी दिन अपना झोला उठाएगी, मेरे घर पहुंच जाएगी, उसको अपनी माँ और बहन का सपोर्ट भी है, वहाँ जाके बताएगी कि ये बेटी है, मेरी शादी फला तारीख को हुई है, फ़ोटो दिखाएगी, नई वाली भी भड़क जाएगी। और तब फट से उसने प्लान कर दिया कि जल्दी इसे हटाना है, वरना ये कुछ न कुछ गड़बड़ नई वाली शादी में क्रिएट कर देगी। अच्छा, ये देखिए, मैं जब इस खबर को पढ़ रहा था और जब डिटेल देखी गई कि माँ के मारने के बाद बेटी का गला दबा रहा होगा, 4 साल की बच्ची है, नादान है, नासमझ है, बच्ची है, वो तो माँ या मम्मा या मम्मी या पापा इसके सिवा कुछ जानती भी नहीं है, कितनी दुनिया उसको देखनी थी, और जब उसको उसका गला दबा रहा होगा निशांत, अपनी ही बेटी का, अपनी ही औलाद का, जिसको वो बताते हैं जो फ्लैटमेट्स हैं उसके या जो उस सोसाइटी के और सदस्य हैं कि बहुत प्यार करता था, दबा रहा होगा गला, छटपटाई होगी, मुँह से उसकी मम्मी या पापा की आवाज़ भी आई होगी, लेकिन इतना निर्दयी, इतना पत्थर दिल आदमी अपने ही संतान को किस तरह तड़पा तड़पा के मारा होगा, और उसकी आँख के सामने ही उसके प्राण पखेरु उड़े होंगे। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। और उससे भी बात खराब क्या कि 2 लाशें घर में, उसी कमरे में, उसी पर आराम से सो गया, अपने टाइम पर उठा, नहाया धोया, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, और फिर तेल पानी लगा के तैयार होके और फिर बिहार अपने घर के लिए रवाना हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है लोगों को और क्यों लोग सोशल मीडिया पर इतना विश्वास करते हैं, और क्यों आकांक्षा ने इतना विश्वास किया ऐसे आदमी पर, क्यों इस शादी के बारे में आकांक्षा ने बार बार इनके यानी अपने ससुराल के रिश्तेदारों से संपर्क करके नहीं बताया। देखिए, आदमी डरता उस समय है, नहीं बताएंगे नहीं तो कल को शादी में घर वाले, उस लड़के के घर वाले राजी नहीं होंगे। अरे बाबा, जब शादी हो गई, 4 साल बीत गए, तो तुम्हें अपने ससुराल वाले घर जाना चाहिए था, निशांत के माँ बाप से संपर्क करना चाहिए था, नाराज होते लेकिन अपनी बात बतानी चाहिए थी, और एक बार अगर सबकी जानकारी में होता कि शादी है और शादी से 4 साल की बच्ची है, तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप किसी नई शादी के लिए राजी भी होते। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते हैं, उन पर कभी विश्वास मत करिए, क्योंकि इस तरह के संबंधों को, अगर आपको आगे ऐसे संबंधों में आगे बढ़ना ही है, नहीं मन मान रहा है आप, तो उसे जांच लीजिए, परख लीजिए, ठोक बजा लीजिए और नफा नुकसान उसका देख लीजिए, तब कदम आगे बढ़ाइए। और अगर आप ने सतर्कता नहीं रखी, अगर आपने सब चीज़ें वेरीफाई नहीं की, अगर आपने सतर्क दृष्टि शादी के बाद भी नहीं रखी ऐसे आदमी के लिए, तो आप यकीन मानिए कि आपको पछतावा ही होगा। मैं अपने अलग अलग कई एपिसोड्स में ये बता चुका हूँ कि इस तरह से कि लव मैरिजेस ये बड़ी टिकाऊ नहीं हुई और कभी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं, बहुत से ऐसे भी मेरे जानने वाले हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने लव मैरिज की और आज तक ठीक हैं, लेकिन 90% केसेस में ये सफल नहीं हुए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।